नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इचिमोकू द मोस्ट फेमस इंडिकेटर, और इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी इंडिकेटर, क्योंकि ये इंडिकेटर में आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन चीजें ये इंडिकेट करता है। कैसे क्या है, वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन स्कैनर जिसको यूज करके आप बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स में स्कैन करके जान सकते हैं कहां पर किस तरह की इंडिकेशन मिल रहा है इचिमोकू क्लाउड में। चलिए, आप वीडियो को प्लीज लाइक करके मुझे इंकरेज कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन से मैं मोटिवेट होके मैं आपके लिए एवरी वीक इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट प्रेजेंट करता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, इचिमोकू एक थ्री टाइम वाला इंडिकेटर है, यानी इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी जो थ्री टाइम्स है वो तीनों टाइम को इंडिकेट करता है। और आपको अगर हम इचिमोकू की इंडिकेटर यहाँ पे लगा के दिखाएंगे, ये जीरोधा की काइट का प्लेटफॉर्म है। आपका अगर अकाउंट नहीं है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसमें अगर अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो प्राइम टेलीग्राम चैनल है आपको उसका हिस्सा फुली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। ठीक है, तो इचिमोकू को जैसे ही आप लगाएंगे, ये काफी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, वेरी प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल मैं बताऊंगा इचिमोकू को कैसे समझना है। इचिमोकू की जो इंडिकेटर है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को दर्शाता है, समझ रहे हैं? तो इसमें ये तीन चीजें हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल में समझा दूंगा प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है एंड फ्यूचर कौन से पार्ट को आपको देखना है। ठीक है, और हमारी इस वीडियो में हमारी जो मेन फोकस रहेगा, हमारे इस क्लाउड के ऊपर फोकस रहेगा, और ये क्लाउड को हम इसमें फ्यूचर की पार्ट को समझते हैं, और इसको ये कहता है लीडिंग स्पान, है ना, लीड करता है, मतलब आगे की जो चीजें बताता है उसको कहता है लीडिंग स्पान, एंड प्रेजेंट को ये जो बताता है इसको कहता है कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, ओरिड होने की बात नहीं है, मैं आपको इजीएस्ट वे कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूं। एंड जो पास्ट की लाइन है इसको ये कहता है लैगिंग स्पान, समझ रहे हैं? चलिए, तो इसको हम इसको हटा देते हैं, ये हमारे ड्रॉइंग को, और यहाँ पे सिंगल वन बाय वन इसे समझते हैं। इचिमोकू की कैसे इंडिकेटर लगाना है आपको समझ में आगे होगा। और इसमें ये देखिए चीजें है, कन्वर्जन लाइन है, बेस लाइन है जो कि प्रेजेंट चीजों को बताता है, लैगिंग स्पैन एंड लैगिंग स्पैन सिर्फ हमारी जो पास्ट पास्ट में किस तरह की चीजें हुआ है वो बताता है, एंड लीड वन एंड लीड टू जो कि होता है लीडिंग स्पैन जो कि क्लाउड को फॉर्म करता है, समझ रहे हैं? उसको हम कहते हैं लीडिंग स्पैन, यानी जो फ्यूचर की जो टाइम है, यानी बाद में कैसे क्या चीजें हो सकता है ये इसको इंडिकेट करता है। इतना आपको समझने के लिए समझना है, क्योंकि आसान भाषा में इतना ही हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम अगर सारे चीजों को एक ही बार में देखेंगे हमें डेफिनेटली कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन हम अगर कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को हटा देंगे, लैगिंग स्पान को हटा देंगे, तो हमारे पास लीड वन लीड टू बच जाएगा एंड बैकग्राउंड प्लॉट भी बचेगा। इसमें अगर आप पीरियड की बात करें, है ना, तो ये लीडिंग स्पान जो होता है ना, एंड अभी हमने जो लाइन हटाया, जो कन्वर्जन लाइन है एंड जो बेस लाइन है एंड जो लैगिंग स्पैन है उसको जो हटा दिया, इसमें पीरियड यहाँ पे डिफाइन हुआ है और ये है 9/26/52/26, इतना है पीरियड। हम इसको फिर से जाके सेटिंग में आपको बताते हैं। देखिए, जो इनपुट में देखिए कन्वर्जन लाइन की जो पीरियड है वो 9 पीरियड की लाइन को बताता है, यानी पिछले 9 कैंडल में किस तरह की चीजें हो रहा है वो कन्वर्जन लाइन को बताता है, जिसको हमने हटाया अभी अभी। जो बेस लाइन है वो 26 पीरियड की बात करता है, यानी 26 पीरियड में किस तरह से क्या चीजें हुआ है वो उसके ऊपर एक लाइन बनाता है। ये दोनों प्रेजेंट की चीज बताते हैं, कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन। एंड जो लैगिंग स्पैन है वो 52 का पीरियड के बारे में, यानी 52 की पीरियड से रिलेटेड है वो उसको बताता है। देखिए, इसकी डिटेल्स मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे, आपको पहले सिंपल भाषा में समझना है, एंड बाद में आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे डिटेल्स में जानना है ये क्यों कैसे फॉर्म हो रहा है, उसके लिए YouTube में बहुत सारे रेफरेंस वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्स में मिलेगा, काफी लंबे लंबे वीडियो है। इस वीडियो में आपका टाइम बचाते हुए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो 26 पीरियड को दिखाता है, समझ रहे हैं? तो ये
कुछ चार पीरियड है आपको सिंपल भाषा में समझने के लिए, इसको आप याद रख सकते हैं 9, 26, 52, 26, यानी इतने नंबर ऑफ कैंडल के पीरियड को, पीरियड के हिसाब से ये ड्राइंग वगैरह करता है, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये तीन चीजों को इंडिकेट करता है। समझ में आ गया बहुत ही सिंपल भाषा में। तो हमें ये देखना है फ्यूचर में किस तरह से चीजें हो रहा है, प्रेजेंट में किस तरह चीजें हो रहा है, पास्ट में किस तरह से चीजें हो रहा है। उसके बाद आप तीनों चीजों को एक ही साथ अगर मिला देंगे तो आपका ये बन जाएगा इचिमुकु का बेहतरीन इंडिकेटर। ये जो क्लाउड है, क्लाउड हमें, आप अगर एक ओवरऑल व्यू में देखेंगे, एक अगर जनरल व्यू में देखेंगे, तो क्लाउड हमें बेसिकली आगे की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चीजें, यानी जहां पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्शंस हुए हैं, वो उसको बताएगा। क्लाउड आगे आगे चलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में, देखिए आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे कि देखिए मैंने इसमें बैंक निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है आपको समझाने के लिए। क्लाउड जो है दोस्तों वो आगे आगे चलेगा, यानी फ्यूचर की बातें वो बताएगा, एंड फ्यूचर में वो इस तरह से बताएगा जहां पर मोटे क्लाउड्स बनेंगे, यानी जहां पर क्लाउड थोड़ा सा मोटा होगा वहां पर बताएगा कि इस एरिया में, जैसे कि देखिए ये जब क्लाउड बना, समझ रहे हैं, ये क्लाउड जब प्राइस यहां पर बन रहा था तब यहां पर क्लाउड बना, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, समझ में आ रहा होगा, यहां पर क्लाउड बन रहा है, तो ये बताएगा कि इस एरिया में एक बेहतरीन रेजिस्टेंस फेस होने वाला है। और कहां तक होगा, जब तक ये क्लाउड मोटा रहेगा तब तक ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। देखिए नथिंग इज 100%, लेकिन ये ऐसे ही चीजें बताता है, ठीक है। तो यहां पर आप कुछ ऑप्शन सेलिंग का भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर इस वीडियो में बहुत ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आते हैं तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर क्या क्या बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकता है मैं आपके लिए लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिंपल में समझते हैं कि क्लाउड क्या बताता है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर जो बाकी दो चीजों को समझ लेते हैं, फ्यूचर की चीज आपको समझ में आ गया, क्लाउड एक बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताएगा, एंड क्लाउड को क्रॉस करने के लिए यूजुअली ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि मोटे क्लाउड को क्रॉस नहीं कर सकता है, क्रॉस किया हुआ है बहुत सारे स्टॉक्स में, मैंने भी देखा हुआ है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि मोटे क्लाउड को डायरेक्टली ये क्रॉस करके ऐसे ब्रेक करके यूजुअली नहीं जाता है, जा भी सकता है लेकिन यूजुअली नहीं जाता। न्यूज जब आएगा ना कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा मार्केट में, तो ये मोटा क्लाउड हो या पतला क्लाउड हो सब क्रॉस करके जाएगा। लेकिन यहां पर आप एक बेहतरीन हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी चीजों को इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोटे क्लाउड होता है उसको यूजुअली प्राइस क्रॉस करके नहीं जाता है, समझ में आ गया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता, ये जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देखेंगे, आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर आप चेक करेंगे, 10 टाइम्स प्रॉपरली अगर चेक करेंगे, तो डेफिनेटली आउट ऑफ 10 8 या उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा कि ये मोटे क्लाउड को क्रॉस करके यूजुअली नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज देखने वाली बात है, हाँ डेफिनेटली ये चीज स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट वेरी करेगा, यानी डिफरेंट जो स्टॉक्स होते हैं डिफरेंट स्टॉक्स में डिफरेंट बिहेव करेगा, डिफरेंट स्टॉक्स में एक्यूरेसी भी डिफरेंट होगा। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रेटेजी या स्कैनर को यूज करने से पहले डेफिनेटली उस स्टॉक में किस तरह से बैक में काम किया हुआ है उसको देखिए, उसके बाद उसकी साइकिल को समझिए, मतलब कितने विंस के बाद कितने लॉसेस आता है, उसके बाद ही उसे यूज कीजिएगा फॉर योर सेफ्टी, एंड डेफिनेटली पेपर ट्रेड तो एनफ टाइम के लिए कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर हम बैंक निफ्टी में 1 आवर की चार्ट की बात करेंगे, मार्केट यूजुअली 9:15 से लेके हमारी 3:15 तक मोस्टली एक्टिव रहता है, 3:30 बजे क्लोजिंग तो हो जाएगा, यानी इसके अंदर आपके पास 6 कैंडल्स बनेंगे। आपको अगर थर्सडे में पता लगता है या वेडनेसडे में पता लगता है कि आगे की तरफ 12-13 कैंडल में क्लाउड है, मोटे क्लाउड है, तो आप उसी हिसाब से अपनी सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि थर्सडे में क्या देखना है, बोरी वेरी सिंपल, कि मार्केट कहां पर नहीं जाएगा, समझ रहे हो, मार्केट जहां पे नहीं जाएगा उसको आप सेल कर दो, उस ऑप्शन को अगर आप सेल करेंगे वो जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी देखने वाली बात है, मोटे क्लाउड को क्रॉस नहीं कर सकता ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये एक्यूरेट है लेकिन 100% नहीं है, ये आपको समझना है। तो आपको साइकिल समझ के इसको यूज करना है। दोस्तों हमने फ्यूचर क्लाउड के बारे में, इसमें किस तरह समझते हैं इसको मैंने आपको बता दिया, अब हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में दो चीजें हैं, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, बाकी चीजों को मैंने हटा दिया है, एंड जो कन्वर्जन लाइन है वो थोड़ा सा फास्ट लाइन है, जो बेस लाइन है थोड़ा सा स्लो लाइन है। और इसकी जो पीरियड की बात करें, कन्वर्जन लाइन का जो पीरियड है वो 9 पीरियड का है, एंड जो बेस लाइन का पीरियड है वो 26 पीरियड का है, यानी ऑब्वियसली 9 पीरियड इज फास्टर देन 26 पीरियड, यानी जो कौन किसी को क्रॉस करेगा वो ऑब्वियसली 9 पीरियड 26 को ऊपर या नीचे क्रॉस करेगा इसमें।
अगर ऊपर क्रॉस करता है तो इन दैट केस उसको हम मानेंगे कि ये एक बाय का सिग्नल है, एंड अगर नीचे क्रॉस करता है ये एक सेल का सिग्नल है। आप अपनी स्ट्रेटेजी इसके हिसाब से बना सकते हैं। और जो लैगिंग स्पैन है, लैगिंग स्पैन पास्ट की चीजों को बताता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम लैगिंग स्पैन की बात करेंगे, पास्ट में किस तरह से चीजें हुआ है, एंड लैगिंग स्पैन में 52 पीरियड की ये चीजें आपको बताएगा। तो इसमें कैसा है कि आपको ये डिटेल्स में जानने के लिए आप दूसरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो की स्कोप ये है कि हम आपको सिर्फ जो क्लाउड है, यानी जो फ्यूचर में क्लाउड किस तरह से बिहेव करता है, उसके ऊपर आपको एक स्कैनर आपको बताएंगे। एंड इस वीडियो में अगर बहुत ज्यादा लाइक्स एंड आप अगर शेयर करते हैं तो बाकी चीजों के बारे में हम आपके लिए स्ट्रेटेजी एंड स्कैनर लेके आएंगे। के सामने आप प्रेजेंट करूंगा वो बेहतरीन स्कैनर, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, वो स्कैनर आप स्ट्रीक में यूज कर सकते हैं। और स्ट्रीक को यूज करने के लिए आपके पास चार ब्रोकर यानी जेरोधा, एंजल वन, 5 पैसा या ऑब्स्टक्स, कोई भी एक में आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमारी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक्स दिया गया है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्ट्रीक का आपको डेमो तो मिलेगा, उसके साथ साथ हमारी जो प्राइम टेलीग्राम चैनल है उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा विद सर्टन फंड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्लाउड कब बन रहा है देखिए, थोड़ी आप वेट करते रहेंगे कौन से स्टॉक में, इतने सारे स्टॉक्स को आप देख भी नहीं सकते, तो इसलिए हम एक डेली स्कैनर बनाएंगे और डेली स्कैनर में हम देखेंगे कहां पर क्लाउड फॉर्म हो रहा है, यानी आगे जो क्लाउड फॉर्म हो रहा है, क्लाउड तो फॉर्म हो जाएगा, उसके साथ साथ स्कैनर आपको इंडिकेट करेगा क्लाउड के हिसाब से आप किस तरह से इसमें बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, आप कोई भी स्ट्रेटेजी एंड स्कैनर यूज करने से पहले उसको प्रॉपरली बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, कन्विक्शन डेवलप होने के बाद ही यूज कीजिएगा। तो स्कैनर में आएंगे, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको आप पहले स्ट्रिक में लॉग इन कर लीजिएगा, उसके बाद क्लिक कीजिएगा लिंक में, और उसके बाद ये स्कैनर को आप कॉपी कर सकते हैं। एडिट स्कैनर में आएंगे, डेली टाइम फ्रेम है, निफ्टी 500 की स्टॉक्स में चेक करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा स्कैनर है, एक ही लाइन की स्कैनर है। इचिमोकू लीडिंग स्पैन AES0 हायर देन, इस तरह के है, आपने कॉपी कर लिया होगा, कॉपी करके बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, उसमें इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही सेव एंड स्कैन में क्लिक करेंगे आपको निफ्टी 500 की डेली टाइम फ्रेम में ये बताएगा कौन से टाइम में, मतलब ये जो डेली टाइम में आपको बताएगा कि यहाँ पर इचिमोकू की जो क्लाउड है कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, एज वेल एज जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग यानी जो करेंट कैंडल की जो क्लोज है, क्रॉसेस एबोव इचिमोकू लीडिंग स्पान, यानी जो जो क्लाउड की जो लीडिंग स्पान है, समझ रहे हो, लीडिंग स्पान की ए एंड बी दो लाइनें हैं, है ना, जो कि क्लाउड फॉर्म करता है। लीडिंग स्पान की जो ए लाइन है उसके ऊपर ये क्लोज कर चुका होगा, वहां पर ये स्कैनर आपको इंडिकेट करके बताएगा। फिलहाल अभी निफ्टी 500 में कोई भी तरह की इसमें स्टॉक्स नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप अगर ये स्कैन को लाइव कर लेंगे तो यहाँ पर आप टेक लाइव करके, आप इसको टेक लाइव करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली ये एवरी 1 मिनट में चेक करता रहेगा कि कौन से स्टॉक में ये चीजें बन रहा है, तो वो स्क्रिप्ट आपको ये डेफिनेटली बताएगा, आप उसको उसके हिसाब से बैक टेस्ट करके यूज कर सकते हैं। आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, स्कैनर को डेफिनेटली यूज कीजिएगा, और हम नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, और स्ट्रेटेजी भी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करके मुझे डेफिनेटली इंक्रेज कीजिएगा, वो स्ट्रेटेजी कमाल का होने वाला है, ये मैं आपको पहले से प्रॉमिस करता हूँ, एंड वो नेक्स्ट वीक के आसपास आ जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग बातें में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।